प्रताप इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी साइंस सीकर के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह सिंहासन के दिशा निर्देशन में सहायक आचार्य सागर सोनी के सानिध्य में कंप्यूटर जागरूकता एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशु रानोली में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। सहायक आचार्य सागर सोनी ने छात्राओं को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए प्रशिक्षण के बाद इस शिक्षा को कौशल रोजगार के रूप में अपनाने के गुण सिखाए। सोनी ने स्टूडेंट्स को बताया कि भारत के तकनीकी विकास में इंजीनियरिंग स्टूडेंट और यंग इंजीनियर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग व बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशनल सिस्टम की डिजाइन की थ्योरी के बारे में समझाते हुए प्रायोगिक करवाया। स्टूडेंट ने थ्योरी और प्रैक्टिकल करने के बाद सहायक आचार्य सागर सोनी को आभार प्रकट कर स्वागत किया। स्टूडेंट्स ने प्रशिक्षण समाप्ति पर अपने अनुभवों को शेयर करते हुए कहा कि मात्र एक दिन की शिक्षा कक्षा में सहायक आचार्य ने हमें इतना कुछ सिखा दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना एक दिन में कोई सिखा सकता है। ऐसे ईमानदार और जिज्ञासु शिक्षक हर शिक्षण संस्थान में होने चाहिए। विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा इससे। हम चाहते हैं कि अगले सत्र की शुरुआत में ही इनका मार्गदर्शन फिर से मिले। प्रताप इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी संस्थान ने इस अवसर पर सहायक आचार्य सागर सोनी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रिंसिपल संगीता कुमारी, आईटी प्रभारी साकिर हुसैन, लेक्चरर बनवास मैम अर्जुन लाल का अहम योगदान रहा। दिखाते तो वो